हाय गाइस, आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टिकटॉक म्यूजिकली पर किसी भी वीडियो का जो पहले से साउंड है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना टिकटॉक म्यूजिकली अकाउंट ओपन कर लेना है और इसको ओपन करने के बाद, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए, जिससे कि मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको डालने के लिए या प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद सिंपल, जैसे मैं यहाँ से गैलरी से कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद इसमें जो साउंड है इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, सिंपल आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप जो इसमें प्रीवियस साउंड है, पहले से साउंड है, उसको रिमूव कर सकते हैं और अपना कोई साउंड या सॉन्ग वगैरह लगा सकते हैं। तो सिंपल आपको उसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, सिंपल यहाँ थ्री लाइन ऑप्शन पर क्लिक करना है। थ्री लाइन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ओरिजिनल साउंड को बिल्कुल कम कर देना है। अब इससे क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल साउंड है इस वीडियो में बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और अब आप इसमें, आप यहाँ पे इस पर, अब ये जो साउंड है ये बिल्कुल रिमूव हो गया। इसको रिमूव करने के बाद आप सिंपल अब यहाँ से कोई भी साउंड में जाके, म्यूजिक में जाके कोई भी अपना साउंड यहाँ से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं।